क्या कहे ब्रो, अब कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ जिसमें ना कोई हीरो है, ना कोई विलन है, ना कोई बड़ा एक्टर है, ना कोई बड़ा डायरेक्टर है, लेकिन फिर भी ये थिएटर फाड़ रही है, ऑडियंस देखने को पागल है इस मूवी को। दिन पर दिन इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बढ़ता जा रहा है। जहां सबकी बड़ी बड़ी मूवी को नकारा जा रहा है, वहीं ये छोटी सी मूवी चार चांद लगा रही है। क्या बात कर रहे बाप? और लगानी भी चाहिए, क्योंकि ये मूवी डिजर्व करती है, क्योंकि ये जिस टॉपिक पे बनी है ना, उस टॉपिक पे अगर मूवी बना रहे हो तो समझो अपने जान को खतरे में डाल रहे हो। सुदीप्तो सेन जो इस मूवी के डायरेक्टर है, मैं उनका बहुत ज्यादा आभारी हूँ, मैं उनको बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये साहस की इस मूवी को बनाने की। थैंक्स। क्योंकि इस मूवी को बनाना इसका मतलब अपने जान को जोखिम में डालना है। आप जानते ही होंगे कि इस मूवी के ऊपर कितने सारे FIR दर्ज हो चुके हैं, कितने सारे स्टेट में ये मूवी बैन भी कर दिया गया है, कितने सारे थिएटर में इसके शो कैंसिल भी किए हैं। और यही इसके अपोजिट देखो तो जितने लोगों ने भी इस मूवी को देखा है, वो लोगों को प्रीफेयर ही कर रहे हैं कि जाके इस मूवी को देखो, कुछ तो बात होगी इस मूवी के अंदर, ऐसे ही लोग नहीं इस मूवी को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया कि इस मूवी को जाकर देखो। आप खुद ही सुन लो। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। देखो, मोदी जी ने कहा केरला फाइल्स, और केरला फाइल्स से मुझे याद आ गया कश्मीरी फाइल्स का, क्योंकि ये मूवी भी सेम वैसी ही मूवी है, वैसी ही टॉपिक पे बनी है। हम सबको पता है कि जब कश्मीरी फाइल्स रिलीज हुई थी तो उसके बाद कितना ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। हम सब जानते ही हैं कि अगर आप ऐसे टॉपिक पे मूवी बनाते हो तो कंट्रोवर्सी तो क्रिएट होगी ही। और कुछ लोगों का कहना है कि ये मूवी रियल स्टोरी पे बेस्ड नहीं है, इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं और केरला स्टोरी के औरतों को बदनाम किया जा रहा है इस मूवी के जरिए। और मूवी में दिखाया गया है कि 32,000 औरतों के साथ ऐसा किया गया है, लेकिन इसकी जो रियल स्टोरी है वो सिर्फ 3 औरतों के साथ ही ऐसा किया गया है। और जब ये क्वेश्चन इस मूवी के डायरेक्टर से पूछा जाता है तो वो इस क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं। देखो, सच्चाई तो यही है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर कोई मूवी ट्रू इवेंट्स पे बन रही है, यानी किसी स्टोरी पे बन रही है या किसी का बायोग्राफी बन रही है, तो वो 100% रियल नहीं होती, उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं ताकि ऑडियंस को देखने में मजा आए, मूवी को इंटरेस्टेड बनाया जाता है। लेकिन ये कोई पहली मूवी नहीं है, ऐसी बहुत सारी मूवी बन चुकी है जिसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, लेकिन इस मूवी के डायरेक्टर को क्या पता था कि ये मूवी भी कश्मीरी फाइल्स जैसी बन जाएगी, कि देश के प्रधानमंत्री खुद इस मूवी को देखने के लिए बोलेंगे। खैर, आपने अभी तक इस मूवी को देखी है या नहीं देखी मुझे कॉमेंट करके बताना, और अगर नहीं देखी तो जाके देखो यार, कैसे मिस कर सकते हो आप इस मास्टरपीस को। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाबा टाटा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।